सपा की रैलियों में हो रही थी भगदड़ और उठ रहे थे सवाल। अब अखिलेश यादव ने इस साजिश से उठा दिया पर्दा और सत्ताधारियों की खोल दी पोल। रैली का माहौल खराब करने और उपद्रव मचाने के लिए की जा रही थी साजिश, पूर्व सीएम ने खुद मीडिया के सामने कर दिया पर्दाफाश। रैलियों में हो रही अव्यवस्था पर सपा को सत्ताधारी बना रहे थे निशाना, अब हकीकत से हुआ सामना तो सब काटने लगे कन्नी, आखिर ये लोग क्या करके मानेंगे। सपा की जिस रैली में अराजकता हुई और भीड़ बेकाबू हुई, उसी को लेकर सत्ताधारियों ने जमकर कीचड़ उछाला और जमकर सपा पर आरोप लगाए और दावा किया कि सपा के नेता और कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं और अखिलेश यादव चुप हैं। लेकिन इस अराजकता के पीछे हाथ किसका है, इसका खुलासा अखिलेश यादव ने किया है और उन्होंने बताया कि कौन था जो सपा की छवि को खराब करने के लिए ये साजिश कर रहा है और प्रशासन कैसे उनकी मदद कर रहा है। अखिलेश यादव ने साजिश से पर्दा हटाया तो फिर हंगामा होने लगा और अब वो हकीकत खुलकर सामने आई है तो सपा वालों की तरफ से जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं और सत्ताधारियों को घेरा जा रहा है। अखिलेश यादव की चुनावी सभाओं में भीड़ और अव्यवस्था को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष को भीड़ को नियंत्रित नहीं रख पाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने इस पर सवाल उठाए हैं तो वहीं इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जनसभाओं में भीड़ के बेकाबू होने, हंगामा और उपद्रव की स्थिति के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कपड़े बदल कर और लाल गमछा पहनकर हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं और कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रशासन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखते हुए मौके पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है, इसीलिए इस तरह की भी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पहले उनके चचेरे भाई और आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी इसी तरह की बात कही थी। धर्मेंद्र यादव ने सपा की जनसभाओं में उमड़ी भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना युवाओं का उत्साह बताया और कहा कि हमारे नेता की लोकप्रियता है कि लोग उनसे मिलने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। वहीं उपद्रव की स्थिति को लेकर सपा नेता ने भी प्रशासन पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट होता है, फिर भी प्रशासन पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहा है। पिछले दिनों 19 मई को इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा थी जिसमें भीड़ बेकाबू हो गई थी और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास तक पहुंच गई थी। इसी तरह संत कबीर नगर और आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव की सभाओं में हंगामा देखने को मिला। आजमगढ़ में तो भगदड़ की स्थिति हो गई थी जिसके बाद पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर डीजीपी ने कहा कि जनसभा स्थलों पर भीड़ के हिसाब से पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाती है। स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजकों को सारी जानकारी दी जाती थी लेकिन जनसभा स्थल पर बैरिकेडिंग का काम राजनीतिक दलों का है। तीनों घटनाओं में पुलिस बल ने हालात को नियंत्रित किया है जबकि गलती सियासी दल की है और सवाल पुलिस पर उठाए जा रहे हैं जो गलत हैं। अब मामले में सियासत जमकर हो रही है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी सपा को घेर रही है तो दूसरी तरफ सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।